अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता खेलता रखे अपनी फैमिली के साथ। चलें मेरी प्यारी YouTube फैमिली, आप लोग कह रहे थे कि आप बच्चों की वीडियो ज़रूर डाला करें। अच्छा ये देखें मेरे बच्चे कितनी शरारती हैं। पीछे आपको अलमारी टूटी हुई नज़र आ रही होगी, ये बच्चों ने खोल खोल के बार बार अलमारी को ही तोड़ दिए हैं। आज तीनों बहनों ने सेम ड्रेस पहना थे, सेम कलर के, क्योंकि पहले आशरा बेल के सेम सिलवाया करती थी। अब मेरी कोशिश होती है जो कपड़े सिलवाने वाले हों तो तीनों बहनों का एक जैसा सिलवाना, सेम ड्रेस। तो ये लोन के कपड़े मैं सिलवा कर गई थी ना भाई की मंगनी के लिए, तो काफ़ी सारे लोन के सूट इनके मैंने लिए थे जो मैंने खुद घर में सिलाई करवाए थे। तो आज मुल्तान में इंतहा की गर्मी पड़ रही है, इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है कि जिसका बस कुछ कहा नहीं जाता। तो किचन में तो काम किया ही नहीं जाता, इतनी शदीद गर्मी होती है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आजकल बहुत आसान आसान पकवान बन रहे हैं। तो आज खाने में मैंने बनाया था चिकन पुलाव। तो आशा राबेल सब बच्चे कह रहे थे मम्मा चावल बनाएं, क्योंकि इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी है कि खाना खाया ही नहीं जाता ना, भूख ही नहीं लगती। तो चावल वगैरह हल्का फुल्का होते हैं तो वो फिर भी खाए जाते हैं ना, दोपहर को बिल्कुल खाना अच्छा ही नहीं लगता, भूख होती है पर खाया नहीं जाता, पता नहीं क्यों। बस दिल कहता है बंदा पानी ही पीता रहे, पानी की बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। अच्छा मेरी प्यारी YouTube फैमिली, मैंने आपसे एक बहुत ज़रूरी बात आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, ताकि मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो आप सबके साथ ना होना। अच्छा ना आप लोगों को पता है मैं ना लाइव कॉल करती हूँ ना, तो लाइव कॉल में पहले मेरे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते थे, बहुत ज़्यादा, और काफ़ी अच्छे अच्छे थे जो मेरे फुल सपोर्ट करते थे। कुछ लोग तो डेली आते थे ना, फुल सपोर्ट मेरी करते थे, और मेरे साथ में घंटा होती थी तो मेरे साथ घंटा ही रुकते थे। काफ़ी दिनों से जब से मैं गांव से वापस आई हूँ मैं परेशान थी, मेरी YouTube फैमिली बहुत कम हो गई है ना, लाइव कॉल में बहुत व्यूज़ कम आने लग गए थे। तो ना अच्छा एक हफ़्ता तकरीबन होने वाला है मुझे दोबारा से ना गांव से वापसी पे, वापस आने के बाद लाइव कॉल स्टार्ट पे ना, तो दो तीन न्यू आईडी से मेरी आई हैं, तो उन्होंने मुझे बताया सिस्टर मैं आमना हूँ, मैं ईशा हूँ, मैं ये हूँ। तो सिस्टर हम आपको कमेंट्स करते हैं, आप हमारे कमेंट्स क्यों नहीं रीड करती ना, तो सिस्टर आपको हमारे कमेंट्स शो नहीं होते। तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान होगी, मैंने कहा हम ना मैं भी परेशान थी, और ईशा आप लोग क्यों नहीं आ रहे ना, आप तो पहले डेली आते थे मेरी लाइफ में, आप क्यों नहीं आ रहे। तो फिर जाकर चैनल को जब चेक किया तो इतने सारे मेरे जो मेरी अच्छी सपोर्ट करते थे बहुत सारे लोगों को ऐड किया गया था। और ये सब कैसे हुआ, ब्लू कलर देने से। हम लोग लोगों पर एतमाद करके न्यू न्यू लोगों को जब ब्लू कलर दे देते हैं, मूड दे देते हैं, तो वो हमारे साथ धोखा भी कर सकते हैं। इसलिए आप सबसे भी गुजारिश है कि आप लोग भी म्यूट देना बंद कर दें, किसी को भी म्यूट ना दें। हाँ अगर आपका बहुत ज़्यादा जानने वाला है, करीबी है, और वो भी अगर किसी को सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आप उन्हें म्यूट दें और फ़ौरन वापस ले लें। क्योंकि मेरी आदत थी जो भी मुझसे म्यूट कहता था मैं फ़ौरन दे देती थी, चाहे वो न्यू भी क्यों ना हो ना, मैं जानती भी नहीं थी फिर भी म्यूट दे देती थी। और दूसरी मेरी गलती, मैं म्यूट वापस लेना भूल जाती थी, मैं उनसे म्यूट वापस नहीं लेती थी। तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया ना, तो मेरे चैनल के अच्छा कोई अगर बकवास कर रहा हो या कोई बुरा हो आ रहा हो, चले आप लोग उसे तो ऐड करो ना, जो मेरी सपोर्ट करने वाले थे और जितनी भी थी सब अच्छी अच्छी सब गर्ल्स थी जिन्हें ना उन्होंने ना ऐड किया हुआ था। तो बस मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, दुख हुआ ये उसकी हरकत देखकर। और बस आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग अब बग़ैर अनजान को और बग़ैर जाने पहचाने इंसान को ना, जिसे आप नहीं जानते, न्यू है, आप मूड बिल्कुल भी ना देना। आजकल ये सब कुछ हो रहा है चैनल में ना, तो ये शुक्र है जल्दी से मुझे पता चल गया था। शुक्रिया आमना का और ईशा का जिन्होंने न्यू आइडियों से आकर मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी और मुझे बताया ना कि सिस्टर ऐसा हुआ है आपके चैनल पे, हम लोगों को ऐड कर दिया गया है। तो जल्दी जल्दी मैंने फिर अपनी सेटिंग को चेंज किया, और बस ये बात शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी आज के व्लॉग में। मैंने कहा आपसे ये न्यू बात डिस्कस करूँगी, जिन्हें इस बात का नहीं पता तो आप लोग भी एहतियात करें। अब
तो बस बातें करते करते देखिए मेरे चिकन पुलाव भी तैयार हो गया है और मैं अभी इसे दम में रखने वाली हूँ, दम बल्कि दम खोलने वाली हूँ इसका ना। तो बहुत ही मज़ेदार यम्मी बने थे, बिल्कुल लाइट मिसालों में। मैं बिल्कुल हल्के मिसाला, रेड मिर्च का तो बहुत कम यूज़ करती हूँ ना, क्योंकि बच्चों ने खाना होता है। और बहुत ही मज़ेदार हमारा चिकन पुलाव यहाँ तैयार हो गया था, बच्चों ने बहुत शौक से इंजॉय किया। अच्छा मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोगों से गुजारिश है कि अभी तक अगर किसी ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं दिया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स करना नहीं भूलना। और आप लोगों से एक और गुजारिश है, रिक्वेस्ट समझ लें कि मेरी वीडियो को आप लोग फुल वॉच किया करें, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही, मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह यूट्यूब फैमिली आदि से भी ज़्यादा फैमिली मेरी वीडियो को फुल वॉच कर रहे हैं करते हैं। मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो वॉच नहीं करते, वीडियो को ओपन करते हैं, कमेंट्स करते हैं और फ़ौरन बंद कर देते हैं ना। तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, ऐसे ना किया करें, ऐसे चैनल को नुकसान होता है ना, चैनल बैठ जाता है नीचे। तो और अगर कोई न्यू मेरे वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास भी पहुंचे। तो यह हमारा खाना तैयार हो गया था, हम लोगों ने खाना खाया। अच्छा ना, चावल के साथ किस किस को कच्चे प्याज अच्छे लगते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं जब भी सर्दियों में तो नहीं, गर्मियों के जब भी चावल बनाती हूँ और साथ में प्याज ज़रूर कटिंग कर लेती हूँ, मुझे प्याज बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा इतनी ज़्यादा गर्मी है, दिन का खाना तो घर में बन जाता है, शाम को मैं नहीं बना पाती, तो शाम का खाना डेली अक्सर बाहर से ही आता है, तो बहुत कम मैं घर में बना पाती हूँ, क्योंकि सुबह भी किचन में, दोपहर को भी, फिर शाम को मुझे बहुत मुश्किल लगता है। तो बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी, आप ख़ुद भी बचें और बच्चों को भी बचाएँ गर्मी से। और बस यही कहना चाह रही हूँ, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल करें, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मेरी खतीजा को भी गर्मी लग गई थी, बीमार हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है खतीजा। तो आप लोग छोटे बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। तो शाम के खाने में ये चिकन पीस और कबाब थे, कबाब तो आशा को पसंद थे और राबेल नहीं खाती, राबेल और मेरे लिए चिकन टिक्का था, हमें बहुत अच्छा लगता है ये ना। तो बस आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को, न्यू आने वाले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फिर ये रात को जब मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचता है तो मैं बच्चों से बुक्स वगैरह